मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी। हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगर सॉन्ग राइटर रैपर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर मिलिंद गाबा के बारे में। जाने मेरी ये, मैं तेरा हाँ। मिलिंद गाबा ने बहुत कम समय में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना लिया, लेकिन इसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की। सॉन्ग वायरल होने के बाद वो भले ही तेजी से फेमस हुए, लेकिन उससे पहले की जिंदगी से आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम मिलिंद गाबा की सक्सेस स्टोरी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी, नेटवर्थ और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। तू मानती नहीं, कुछ जानती नहीं, तेरे बिना मेरी जिंदगी। मिलिंद गाबा का जन्म 7 दिसंबर 1990 को राजधानी दिल्ली में हुआ था। मिलिंद गाबा के पिता का नाम जितेंद्र गाबा है, जो पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मिलिंद की मां का नाम संगीता गाबा और बहन का नाम पल्लवी गाबा है। इन लोगों के अलावा मिलिंद की फैमिली में उनकी दादी भी हैं। मिलिंद ने जब से होश संभाला तब से ही उन्हें सिंगिंग में बहुत रुचि थी और उनकी वॉइस भी काफ़ी प्रभावित करने वाली रही। मिलिंद ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के वेद व्यास DAV पब्लिक स्कूल से पूरी की। मिलिंद को बचपन से सिंगिंग का शौक था, इसीलिए वो पढ़ाई से ज़्यादा केसियो और पियानो के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, इसीलिए वो अपने क्लास के एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे। मिलिंद ने अपनी ग्रेजुएशन भी दिल्ली के ही एक कॉलेज से कंप्लीट की। मिलिंद बताते हैं कि उन्होंने 12th बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम उनका ध्यान पढ़ाई पर बहुत कम ही रहता था। मिलिंद गाबा का जरूरत से ज़्यादा सिंगिंग के लिए पागल होना उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा था, और एक दिन मिलिंद के माँ पापा ने उन्हें समझाया कि सिंगिंग करियर का क्या भरोसा, कहाँ तक जाए या कुछ हो भी पाए या नहीं, इसीलिए तुम ये सब छोड़कर अच्छे से पढ़ाई करो और जॉब की तैयारी करो। माँ पापा की बात थोड़ी थोड़ी मिलिंद को समझ में आ गई थी और वो जॉब करने के बारे में सोचने लगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलिंद के एक दोस्त जैसे भाई हैं, जिन्हें मिलिंद सेट्टी साहब बोलते हैं। उन्हें मिलिंद के टैलेंट पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उन्होंने मिलिंद को समझाया कि जॉब तो तुम कभी भी कर सकते हो, पर अपने टैलेंट को मत मारो। इसके बाद मिलिंद ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो सिंगिंग पर ही काम करेंगे। इसके बाद मिलिंद ने म्यूजिक कंपनीज में काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मिलिंद ने बहुत से ऑडिशन दिए, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। उसी दौरान मिलिंद ने म्यूजिक की क्लासेस भी ली, जहां से उनकी सिंगिंग में काफ़ी सुधार आ गया और कुछ टाइम बाद उनको एक छोटे बैनर की मूवी स्टूपिड 7 में गाना गाने का मौका मिल गया। मिलिंद को गाना गाने का मौका तो मिल गया था, लेकिन इस गाने को किसी ने पसंद नहीं किया और अभी भी मिलिंद जहां के तहां ही थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और इसी स्ट्रगल में मिलिंद को समझ आया कि उन्हें काम मिलना मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़े बड़े सिंगर्स हैं और उनके पास भी ज़्यादा काम नहीं है। अब मिलिंद ने इरादा किया कि वो अपना रैप सॉन्ग लॉन्च करेंगे। साल 2014 वो साल था जब मिलिंद ने अपना एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया। ये सॉन्ग था 4 Men Down। प्लास्टिक के ग्लास, गाड़ी एस क्लास, एक हाथ में नमकीन दूजे में शिवास, आइस क्यूब ले ली आगर। ये सॉन्ग कुछ दिनों के अंदर ही फेमस हो गया और इस सॉन्ग से मिलिंद का कॉन्फिडेंस भी काफी ऊपर आ गया। अब मिलिंद ने कुछ और सॉन्ग दिए और साल 2015 के एंड में वो सॉन्ग आया जिसने मिलिंद की जिंदगी ही बदल दी। ये सॉन्ग था दारू पार्टी। हाथ में लिखकर हो, गुजनाब कर हो, ना हो घर वाले ना ही उनका डर। ये सॉन्ग उस टाइम बहुत फेमस हुआ था। शादियों में और पार्टियों में जब तक दारू पार्टी सॉन्ग नहीं बजता था, तब तक कोई पार्टी कंप्लीट नहीं होती थी। ये एक सॉन्ग ही काफ़ी था मिलिंद को स्टार बनाने के लिए। साल 2016 से ही मिलिंद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक जाने माने रैपर बन गए। फिर उसके बाद मिलिंद के टाइम टाइम पर ऐसे सॉन्ग आते रहे जिन्होंने मिलिंद का स्टारडम कम नहीं होने दिया।
बात करें मिलिंद के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स की तो सी डोंट नो, दारू पार्टी, क्या करूं, यार मोर दो, जिंदगी दी पौड़ी, सोनिए, कलेश, ये उनके मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग रहे। इनके अलावा ऐसे ना देख, मैं तेरी हो गई, तेरी यारी, शादी करके नज़र लग जाएगी और शांति, ये सॉन्ग भी उनके काफ़ी पसंद किए गए। इतना ही नहीं, मिलिंद ने बॉलीवुड में भी अपने सॉन्ग्स का जलवा दिखाया। मिलिंद ने बॉलीवुड में साडी गली, वेलकम बैक, माला माल, नाची नाची, आए हाय जैसे और भी कई सॉन्ग दिए। आज मिलिंद हिंदुस्तान के एक जाने माने सिंगर और रैपर हैं और उन्होंने ये सब अपने दम पर हासिल किया है। दोस्तों बात करें मिलिंद गावा के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मिलिंद की नेटवर्थ लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके 7 करोड़ों फैंस का प्यार है जिसका कोई मोल नहीं। चलिए दोस्तों अब मिलिंद की लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप लोग हर्ष बेनीवाल को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बता दें, हर्ष बेनीवाल फेमस कॉमेडियन यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब पर लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हर्ष और मिलिंद बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए मिलिंद की जान पहचान भी हर्ष की बहन प्रिया से हो गई और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो गई। साल 2018 में ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। मिलिंद बताते हैं कि उन दोनों में बेहद सीरियस वाला प्यार हो गया था, लेकिन ये बात हर्ष को नहीं पता थी। काफ़ी टाइम तक मिलिंद ने ये बात हर्ष को नहीं बता पाई, लेकिन साल 2021 के एंड में जब मिलिंद बिग बॉस में थे तो उन्होंने बिग बॉस से अपनी और प्रिया की रिलेशनशिप रिवील कर दी। यहाँ से दोनों के रिश्ते के बारे में हर्ष सहित सभी को पता चल गया। हर्ष को इन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद अप्रैल 2022 में प्रिया और मिलिंद ने शादी कर ली। तेरी मेरी, मेरी तेरी एक कहानी। चलिए दोस्तों मिलिंद के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। मिलिंद एक फैन मूवमेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार दो लड़कियां उनका पीछा करते हुए उनके घर पर पहुंचती हैं। मिलिंद की मां दरवाजा खोलती हैं तो वो लड़कियां बोलती हैं हमें मिलिंद को हक करना है। मिलिंद हक के लिए तैयार हो जाते हैं। हक करने के बाद वो लड़कियां बोलती हैं कि उन्हें मिलिंद को किस करना है। मिलिंद उन्हें समझाते हैं कि मेरी माँ की मौजूदगी में ये सब पॉसिबल नहीं है और लड़कियों को वहाँ से भेज देते हैं। मिलिंद को जिम करना काफ़ी पसंद है, ये तो आप उनकी फिजिक देखकर भी समझ सकते हैं। मिलिंद की हाइट 5 फीट 6 इंच और उनका बॉडी वेट लगभग 66 kg है। बात करें मिलिंद की हॉबीज़ की तो उन्हें स्पोर्ट्स खेलना, जिम जाना और दोस्तों के साथ घूमना काफ़ी पसंद है। मॉडर्न सिंगर और रैपर होने के साथ साथ मिलिंद धार्मिक भी हैं, वो माता रानी और भोलेनाथ पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। मुझे ना से मिला तो बोले ना से मिला तो मुझे ना से। मिलिंद का खुद के सॉन्ग्स में फेवरेट सॉन्ग दारू पार्टी है क्योंकि इस सॉन्ग ने उनकी लाइफ बदल दी थी। मिलिंद यंगस्टर्स को सुझाव देते हैं कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिना पेशेंस एक रात में कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर कोई भागा दौड़ी में लगा रहता है कि मैं आज काम करूँगा, 5 दिन गाने बनाऊंगा और छठे दिन तो मेरे घर के सामने भीड़ लगी होगी और मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग होगा, झाग गिर रहा होगा, बोलूँगा थैंक यू सो मच। तो ऐसा नहीं होता, इट टेक्स मेनी नाइट्स टू गेट एन ओवरनाइट सक्सेस। तो यस, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये थी लाइफ स्टोरी मिलिंद गावा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलिंद का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।